नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपको बता दें कि आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 47,000 से ज्यादा नए मामले, कुल आंकड़ा 14 लाख के पार। वहीं काबू में नहीं कोरोना संक्रमण, अब 5 राज्यों की रेलवे से बड़ी अपील, कहा अभी नहीं चलाएं कोई भी नई स्पेशल ट्रेन। वहीं 1 अगस्त से बदल जाएंगे आपकी कार और बाइक से जुड़े ये नियम। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने पर असुद्दीन ओवैसी ने जताई आपत्ति। वहीं पश्चिम बंगाल में 31 अगस्त तक लगाया गया लॉकडाउन, लेकिन बकरी ईद के दिन रहेगी छूट। वहीं अब इस राज्य ने दिखाई सकती, बिना मास्क पहने घर से निकलने पर देना होगा भारी जुर्माना। वहीं SBI ने लॉन्च किया IRCTC के साथ को-ब्रांडेड रुपे कार्ड, रेलवे टिकट बुकिंग होगी सस्ती। वहीं कोरोना वायरस के इस दौर में कैसे धोएं फल और सब्जियां, FSSAI ने जारी की नई गाइडलाइन। वहीं शौचालय बनवाने के लिए आप भी लेना चाहते हैं भारत सरकार से पैसे, तो इस तरीके से करें आवेदन। वहीं मेड इन चाइना के घटिया उत्पादों पर नकेल कसेगी मोदी सरकार, सख्त कदम उठाने की तैयारी। वहीं चीन जैसे देशों को बड़ा झटका, भारत में सामान भेजना अब होगा ज्यादा मुश्किल, लागू होगा यह नया नियम। वहीं सावधान, बिहार में भारी बारिश के आसार, 15 जिलों में बाढ़ से 25 लाख लोग हो सकते हैं प्रभावित। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आज भारत में पिछले 24 घंटे में 47,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे अब मामलों की संख्या बढ़कर 14,83,157 हो गई, जिसमें से 33,425 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और अच्छी बात यह है कि 952,743 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। वही बड़ी खबर, काबू में नहीं कोरोना संक्रमण, 5 राज्यों की रेलवे से बड़ी अपील, कहा अभी नहीं चलाएं कोई भी नई स्पेशल ट्रेन। जी आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसका असर रेलवे के ट्रेन ऑपरेशन पर भी हुआ है। 5 राज्यों ने रेलवे से कोई भी नई ट्रेन ना चलाने की अपील की है, तो वहीं रेलवे को कई मौजूदा स्पेशल ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्यों ने रेलवे से अपील की है कि वो फिलहाल कोई भी नई स्पेशल ट्रेन न चलाए। सूत्रों के मुताबिक राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल गृह मंत्रालय भी रेलवे को कोई भी नई स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी नहीं दे रहा। आपको बता दें कि इससे पहले रेलवे ने देश भर में करीब 90 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई थी, जिसकी मंजूरी के लिए इसे गृह मंत्रालय के पास भेजा गया था। आपको बता दें कि अब गृह मंत्रालय ने भी मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। दरअसल इन राज्यों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कई राज्यों का मानना है कि ट्रेनों के चलने से कोरोना पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। झारखंड ने तो यहां तक कह दिया है कि बिहार की वजह से उनके राज्य में 50% मरीज संक्रमित हुए हैं। झारखंड राज्य ने पटना और रांची के बीच चलने वाली जन शताब्दी ट्रेन को भी रद्द करा दिया है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ ट्रेनों को लेकर ममता बनर्जी ने भी शुरू से ही आपत्ति जताई है और बंगाल सरकार ने पहले ही पूर्वा एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी कम करवा कर उन्हें साप्ताहिक ट्रेन बनवा दिया है। आपको बता दें कि वहीं ममता सरकार ने 27 जुलाई को बंगाल से चलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द करा दिया और 29 जुलाई को भी पश्चिम बंगाल से चलने वाली सारी ट्रेनें बंद करा दी हैं। वही बड़ी खबर, 1 अगस्त से बदल जाएंगे आपकी कार और बाइक से जुड़े ये नियम। जी आपको बता दें कि नई कार या फिर मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी नई कार या फिर मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो 1 अगस्त के बाद आपको ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर कम पैसे खर्च करने होंगे। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण यानी इरडा मोटर थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। आपको बता दें कि इरडा के दिशा निर्देशों के अनुसार इसके बाद से नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के कार का बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा, यानी कि उनकी मर्जी होगी तो लेंगे, नहीं मर्जी होगी तो नहीं लेंगे। कंपनी ने पैकेज कवर को वापस लेने का फैसला किया है। नए नियम लागू होने के बाद उन लोगों पर इसका सीधा असर होगा जो 1 अगस्त के बाद नई कार खरीदने जा रहे हैं। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में बदलाव करने से तो अगले महीने से नई कार या फिर बाइक की खरीदारी थोड़ी सस्ती हो जाएगी। इससे कोरोना काल में करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। वही बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने पर असुद्दीन ओवैसी ने जताई आपत्ति। जी आपको बता दें कि AIMIM के मुखिया असुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर के भूमि पूजन में जाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान के शपथ का उल्लंघन बताया। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत न करें। भूमि पूजन के कार्यक्रम में PM मोदी के शिरकत करने से देश की जनता में यह संदेश जाएगा कि वो एक फेथ को मानते हैं। आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने
ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री का भूमि पूजन में शामिल होना उनके संवैधानिक पद की शपथ का उल्लंघन हो सकता है। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे संविधान का उल्लंघन बताया है। वह अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में 31 अगस्त तक लगाया गया लॉकडाउन, लेकिन बकरी ईद के दिन रहेगी छूट। जी आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन को लेकर नया फैसला लिया है। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान हफ्ते में 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि उन्होंने बकरी ईद के मद्देनजर लॉकडाउन नहीं लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अगस्त को बकरी ईद के दिन राज्य में लॉकडाउन नहीं रहेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में 2, 5, 8, 9, 16, 17, 23, 24 और 31 अगस्त को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा कर दी है। वह अगली बड़ी खबर, अब इस राज्य ने दिखाई कड़ी सख्ती, बिना मास्क पहने घर से निकलने पर देना होगा भारी जुर्माना। जी आपको बता दें कि देश के अन्य राज्यों की तरह ही गुजरात में भी कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। संक्रमण के खतरे से बचने के लिए लोगों से कई तरह के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है, जिसमें मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर लोग बिना मास्क लगाए ही घरों से बाहर निकलते जाते हैं। आपको बता दें कि इसलिए मास्क न पहनने पर जुर्माना राशि को बढ़ा दिया गया है। अब बिना मास्क घर से निकलने वाले और इधर उधर पान मसाला खाकर थूकने वालों से पहले से ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा। बिना मास्क पाए जाने और सड़क पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। पहले यह जुर्माना 200 रुपए था। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि इसी के साथ सभी को मास्क उपलब्ध हो सके इसके लिए अब अमूल दूध के काउंटर पर भी 2 रुपए में मास्क उपलब्ध होगा। वह अगली बड़ी खबर, SBI ने लॉन्च किया IRCTC के साथ को ब्रांडेड रुपे कार्ड, रेलवे टिकट बुकिंग होगी सस्ती। ये आपको बता दें कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वाली कंपनी IRCTC और SBI ने साथ मिलकर एक को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल तरीके से कार्ड की लॉन्चिंग की। तीनों संस्थानों की तरफ से लॉन्च होने वाले इस नए कार्ड से कस्टमर्स टिकट बुकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस कार्ड के जरिए यात्रियों को टिकट बुकिंग करने पर कैशबैक रिवार्ड भी मिलेगा। आपको बता दें कि रेल मंत्री ने बताया कि यूं तो इस कार्ड के लिए 500 रुपए की ज्वाइनिंग फीस रखी गई है, लेकिन जो भी ग्राहक 31 मार्च 2021 तक इस क्रेडिट कार्ड को बनवा लेंगे उनके लिए कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी होगी, यानी कि उनके लिए बिल्कुल फ्री होगा। यही नहीं, कार्ड को एक्टिवेट करते ही उनके खाते में 350 पॉइंट जोड़ दिए जाएंगे। हर पॉइंट की कीमत 1 रुपए होगी और इससे रेलवे की वेबसाइट पर रेल टिकट खरीदा जा सकता है। आपको बता दें कि SBI और IRCTC के इस कार्ड के धारकों को साल में 4 बार रेलवे स्टेशनों पर फ्री में प्रीमियम लाउंज के उपयोग की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि इस कार्ड से पेट्रोल या फिर डीजल भरवाने पर पेट्रोल पंप पर लगने वाला शुल्क भी नहीं लगेगा। अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस के इस दौर में कैसे धोएं फल और सब्जियां, FSSAI ने जारी की नई गाइडलाइन। ये आपको बता दें कि पहली गाइडलाइन में जब भी आप किसी विक्रेता से फल सब्जी खरीदते हैं तो उस पैकेट को घर के किनारे में थोड़ी देर रख दें और उसे हवा लगने दें। आपको बता दें कि सब्जियों और फलों को हमेशा साफ पानी से धोना चाहिए। उपभोक्ताओं को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और साग सब्जियों को कभी भी डिटर्जेंट और साबुन से नहीं धोना चाहिए। आपको बता दें कि मार्केट या फिर बाहर से आने के तुरंत बाद अपने हाथों को साबुन और पानी की मदद से कम 20 सेकंड तक अच्छे से रगड़कर धोएं। FSSAI के अनुसार उपभोक्ताओं को गुनगुने पानी से सब्जियों और बर्तन को अच्छे तरीके से धोना चाहिए। इसके अलावा आप गर्म पानी में 50 ppm क्लोरीन की सिर्फ एक बूंद का उपयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि FSSAI ने कहा कि सब्जियों को सही तरीके से साफ करने के बाद आप रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी सब्जियां स्टोर करनी हैं जो सामान्य तापमान पर भी लंबे समय तक ठीक रह सकती हैं, तो इन्हें फ्रिज में रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। फ्रिज के खाने को गर्म करके खाएं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि अंडे, मांस, मछली जैसे भोजन को खाने से पहले उसे अच्छे से पकाकर खाएं। वह अगली बड़ी खबर, शौचालय निर्माण योजना के अंतर्गत आप भी लेना चाहते हैं भारत सरकार से 12,000 रुपए, तो इस तरीके से करें ऑनलाइन आवेदन। ये आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छता को लेकर देश में कई कदम उठाए गए, जिनमें से एक शौचालय निर्माण भी है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गरीब परिवारों के लिए शौचालय निर्माण होता है। शौचालय निर्माण योजना के
तहत सरकार 12,000 रुपए की अनुदान धनराशि प्रदान करती है, जो कि अब सीधे अभ्यर्थी के खाते में जाता है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके घर पर शौचालय नहीं है और साथ ही वे गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। इसके अलावा जिन परिवारों ने पहले इसके लिए अनुदान ले लिया है उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के लिए वही आवेदन कर सकता है जो संबंधित राज्य का स्थायी निवासी है। साथ ही आवेदक के पास आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड होना अनिवार्य है। आपको बता दें कि यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप नजदीकी CSC केंद्रों यानी जन कल्याण केंद्रों पर जा सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से भर सकते हैं। आपको बता दें कि आप स्वच्छ भारत urban.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। पहली बड़ी खबर, मेड इन चाइना के घटिया उत्पादों पर नकेल कसेगी मोदी सरकार, सख्त कदम उठाने की पूरी तैयारी। यह आपको बता दें कि भारत सरकार ने चीन को घुटनों पर ला दिया है। भारतीय सीमा पर चीनी घुसपैठ रोकने के लिए नए राफेल लड़ाकू विमान सेना में शामिल होने वाले हैं, लेकिन इससे भी बड़ी लड़ाई की तैयारी घरेलू स्तर पर शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मेड इन चाइना उत्पादों पर और सख्ती करने का फैसला कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार चीनी कंपनियों पर और का फैसला कर रही है। आपको बता दें कि इसी नीति के तहत चीनी उत्पादों की क्वालिटी को जांचने के लिए सख्त स्टैंडर्ड तैयार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन काम करने वाली भारत मानक ब्यूरो यानी BIS ऐसे चीनी सामान की लंबी सूची तैयार कर रही है। इन सभी उत्पादों को भारतीय बाजार में लाने से पहले सख्त मानकों से गुजरना होगा। तमाम मंत्रालयों ने अपनी तरफ से चीन से आयातित सामान की सूची BIS को सौंप दी है। आपको बता दें कि अब ब्यूरो इन प्रोडक्ट के मानकों को सख्त कर चीन के लिए राह मुश्किल बनाने जा रहा है। वह सावधान, हाई अलर्ट, बिहार में भारी बारिश के आसार, 15 जिलों में बाढ़ से 25 लाख लोग हो सकते हैं प्रभावित। यह आपको बता दें कि बिहार और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश की आशंका है। बारिश होने से उत्तर बिहार में गोपालगंज से लेकर कटिहार तक संकट और बढ़ेगा। उत्तर बिहार में बाढ़ के कारण पहले से ही 10 लाख लोग प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने तटबंध व सड़कों पर शरण ले रखी है। आपको बता दें कि यदि नदियों का जलस्तर और बढ़ा तो प्रभावित होने वालों का आंकड़ा 25 लाख तक पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने नेपाल व उत्तर बिहार दोनों की जगहों पर 1 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार 1 अगस्त तक उत्तर बिहार व नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश की आशंका है। उत्तर बिहार में पहले से ही 15 जिलों के 24 रेनगेज स्थलों पर 7 नदियां खतरों के निशान से ऊपर बह रही हैं। आपको बता दें कि इन 7 नदियों में करीब 2 दर्जन जगहों के तटबंध पर पहले से ही भारी दबाव है। आपको बता दें कि उत्तर बिहार में प्रमुख 7 नदियों का जलग्रहण क्षेत्र नेपाल ही है। ऐसे में आशंका है कि पहले से ही बाढ़ का संकट झेल रहे 15 जिलों में तबाही और मचेगी। वही मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, उपमाली, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, आंतरिक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, रॉयलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और दक्षिणी गुजरात में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।